कहाँ चल दी हो भाई? कहाँ चल दी है? हम जा रहे घूमने गुमी गुमी। ये देखो भाई, इसको ज्यादा कुछ हो रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए और हमें करनी है हमें उसके लिए पैकिंग। कल चलेंगे कल, तो अभी हमें करनी है घूमने के लिए पैकिंग। तो फिलहाल अभी हम मार्केट चल रहे हैं, मेरे को कुछ चीज़ें खरीदनी है, बाबू के लिए भी कुछ खरीदना है, नेहा को कुछ खरीदना हो तो खरीद लेगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं मार्केट, चलें। चलो चलो चलें। क्या खा रही है? तो गाइस हम लोग ना अपने घर के पास मोनेस्ट्री में आ चुके हैं। तो ये देखो, बाबू को भी साथ लेकर आए, और इसको हमने ना ये बर्थडे वाले दिन बनाई थी इसकी एक ड्रेस। तो यहाँ जहाँ आए ना मोनेस्ट्री में, हम नेहा और मैं ना देखो ध्यान शादी से पहले भी आते थे हम यहीं पर। तो अभी ना यहाँ पे कुछ कपड़े देख लेते हैं। तो जाना कहाँ है हमें, कल हमें निकलना है, कहाँ निकलना है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। किसके साथ निकलना है वो भी पता लग जाएगा। तो फिलहाल ज़रा कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे देखिए, बाबू को तो हमने डाल दिया ट्रॉली में, और इसको हम लेकर आए हैं अभी विशाल मेगा मार्ट। होटल गिरा दी हैं क्या? नहीं देखो, पसंद करो कुछ कपड़े इसके लिए। कल अभी ना हमने यहाँ पे एक ड्रेस पसंद करी है बाबू की। अरे कहाँ फंसा ली बेटा, छोड़ो। अभी हमने ड्रेस पसंद करी है ये वाली, ये देखो। अभी इसको हम फिर से रेनबो बनाने वाले हैं। ये रख लो, रख लो, ये अंदर रख लो। अब क्या समझ आ रहा है? आ रहा है कुछ? तो वैसे विशाल से हमने ना बाबू के कुछ कपड़े लेने हैं। साले गरीब है विशाल वाले, थैला भी नहीं देते हैं, है ना। स्कूटी में डाल देंगे, कोई नहीं। चलो पैकिंग करते हैं घर चल के। तो भाई हाँ, क्या था, हम गए थे शॉपिंग, तो और हमें सामान लेने जाना था। और अभी हम आए थे अपने देखो दूसरे वाले घर, वापसी आए थे हम अपना सामान लेने, क्योंकि कल क्या सीन है, कल हमें निकलेंगे। और हमने अपना सामान ले लिया स्कूटी में। और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो देखो हमारी नई बाइक, ये देखो गाड़ी में रखी हुई है, गोहान की नई बाइक है। इस पर आबू को बैठाते हैं। देखो ये रही आबू और गोहान की बाइक, और ये देखो ये खेलने में लगी, ये खेलने में लगी। अभी गोहान आएगा ना तो इसको पेलेगा। अभी गोहान गया अपनी नानी हाउस। तो वैसे देखो आबू सुबह उठ के अपना स्टार्ट हो गए जय करने, और यहाँ पे आबू की दादी ना ऑफिस जा रही है, और ये ना जाने नहीं दे रही है। तो मैं इसकी हरकतें दिखाता हूँ। क्या आबू दादी जा रही है? दादी गई? क्या कह रहे हो जय के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज? दादी जा रही है वो, देखो दादी गई। अरे छोड़ दे, लो गए आज मंदिर मम्मी। गाइस अभी ना हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी है। ये रहा हमारा थोड़ा सा सामान, और ये रहा देखो हमारा सामान। ये देखो, आपको नहीं प्रेस करना, हटो वहाँ से हटो। इसको अलग ही मजा आ रहा है, कपड़ों के ऊपर चढ़े जा रही है। गिरेगी ये, पक्का गिरेगी, ये पक्का गिरेगी। इसको ज़्यादा मस्ती चल रही है। तो फिलहाल सीन क्या है भाई, हमने बहुत दिन से ना ट्रैवल नहीं करा था, और हम चल रहे हैं उत्तराखंड की वादियों की तरफ। तो एक दो सरप्राइज है, वो आपको आगे की इसी वीडियो में देखने को मिलता रहेगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं पैकिंग। आओ हटो हटो, कॉर्नर पे बैठे हो बेटा आप, हटो हटो। चलो उतरो, नीचे उतरो, उतरो उतरो, उतर। कहाँ चढ़ के बैठ गई है? वो निकलने का टाइम हो गया, और ये मैडम हमारी बाबू सो गई है। तो अभी का सीन है, दीपक भाई तो आ रहे हैं, वो गाड़ी लेके बाहर आ रहे हैं, तो हम गाड़ी चलते हैं। गली में इस टाइम गाड़ी घुसाना सही नहीं रहेगा। तो इसको फिलहाल देखो गोद में ले लिया। हाँ मम्मी, हगीज हगीज सब ले लिया। और ये रहा हमारा सामान, एक बैग ये रहा। तो किस लोकेशन पर जा रहे हैं ये आपको सुबह पता लग जाएगा, स्किप करके आगे मत देखना, ठीक है। देखो अभी निकलने का टाइम था, और आप वो भी उठ चुके हैं, सही टाइम पे उठ गई हैं। और ये देखिए, चलो ठीक है मम्मी बाय। चलें दीपक भाई, व्लॉग स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई यहीं से स्टार्ट है, मेरा तो कल से स्टार्ट हो रखा है। ये जानते कि टाइम ही उठ गई है। तो भाई अभी हमने लिया है पहला स्टॉप, वो भी हमारे 100 किलोमीटर पूरे होने के बाद। तो भाई अभी हम कहाँ रुके, अभी हम रुके हैं शिवा ढाबा पे। और गाइस ये देखिए, दीपा भाई नींद तो नहीं आ रही? परफेक्ट, नींद का तो कोई चांस ही नहीं है। और हमारी आबू सो गई है, और भाभी आपको नींद तो नहीं आ रही? नहीं। और जिम में देखने के बाद ना भाई, बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि जिम नहीं लेनी है, जिम नहीं लेनी है।
तो जल्दी देखेंगे, इस बारे में प्लान करते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और सुबह मिलते हैं, क्योंकि रात हो रही है, रात को तो ब्लॉग शूट करना कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, कुछ देखने को मिलेगा नहीं। और दीपक भाई चला रहे हैं गाड़ी, मैं आराम से साथ में बैठा हूँ, ठीक है, मैं भी चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नींद आएगी तो आप चलाओगे? रोक लेंगे पक्का। चलो चलते हैं हम फिर। सो फिलहाल ना शायद से ये उठ चुके हैं, ये देखो। क्या सोच रहे हो बेटा, क्या सोच रहे हो, क्या हुआ? घूमी घूमी चल रहे हैं, ये क्या है, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कहाँ, क्या, किसको बुला रहे हो? 3 बज गए ना, तो उठने का टाइम हो चुका है। टूटू और अभी हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो फिलहाल अंदर बैठ लेते हैं जरा। इतनी बड़ी ब्रांडिंग का ये फायदा होता है। हाँ, गाड़ी से पहचान लिया। नहीं ठीक है भाई, ये भाई बात भी अच्छी है भाई, रोक लिया आपने मिलने के लिए। सो गाइस देखो, हमारा गूगल मैप अभी कहाँ लिया है, छोटी छोटी गलियों में लिया है भाई। अभी हम अमरोहा की गलियों में घूम रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा सही में। अब बंद तो नहीं, नहीं लेफ्ट जाना है शायद, रास्ता है भी यहाँ से, ये रहा ना लेफ्ट में, आगे आगे आगे। गूगल का भी दिमाग खराब हो गया। अरे अभी हुआ नहीं है केरला में, गूगल के साथ ही उसने गाड़ी पानी में घुसा दी। ये देखो, ओ भाई साहब, अरे भाई ये कहाँ लेके आ गए हो गूगल वा? अमरोहा, अमरोहा वालों, अरे भाई, अरे भाई दबाली दबाली, भाई की दबाली। बस थोड़ी और रह गई शायद ये गलियां, मे बी, होप सो। दिखा तो नीला रहा है पूरा। वैसे ये देखो, पैर 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 ध्यान रखना कहीं और हो सकते हैं, सांप भी मिल सकता है। ये देखो, हाँ जाओ, दादा आगे मत जाना, खेत वाला आ जाएगा वो। अंकल हम नहीं है, हम भी। कर जल्दी कर, ए ए, ये 500 रुपए का एक आम पड़ जाएगा। ओ, दो तोड़ रही, 1000 रुपए का बजट बना दिया। आजा आजा, बस बस बस, जल्दी आ जल्दी आ, अरे जल्दी आ। देखो अभी हमारी आवू ना आम से जाके, देखो बाग से जाके आम चोरी करके ला रही है। आवू आम लेकर आ गए। ये देखो भाई साहब, आम चोरी करते हुए। ओ भाई ये देखो कितने बड़े बड़े आम है, हैं? है ना, के साथ खाने में। रोड पे ही लगे हुए हैं भाई, ये देखो चोरी नहीं कर रहे हम, रोड पे लगे हुए हैं, बड़े बड़े आम हैं। नहीं यार उधर खेत भी है बंदे का, हाँ पूरा बाग है, है ना, पूरे में सारे में आम ही आम है। इसको ना अंडरग्राउंड कर, हमने तो अभी तोड़े ही नहीं, अभी और तोड़ लेते हैं। देखो भाई ये फन होता है जब रोड पे चलते हैं, है मस्ती मजाक चलता रहता है। देखो उधर भी कितने सारे आम लगे हुए, वो देखो देख रहे हो, ये देखो आराम से भैया। वैसे तुम खाओगे कैसे यार, ये तो कच्चे लग रहे हैं मुझे। नहीं कच्चे नहीं है ये, अरे भाई अबे आगे डंडा लेके। क्या, चलो अब वापस चिपका दूँ फेविकॉल से भाई साहब। बंदा आ गया, चले चलो चलो यार, पानी पीना है मैंने, पानी दे दो, पानी प्यास लग रही है मुझे। सो गाइस यहाँ से हमने तोड़ लिए हैं, बाबू के लिए तो नहीं अपने लिए आम तोड़ लिए, पहाड़ों पे बैठ के आराम से खाएंगे। और बहुत सारे आम तोड़े सही में।
और भाई पीछे देखो मौसम, मौसम कितना बढ़िया लग रहा है। अचार डालेगा कौन इसने? अचार के लिए तो तोड़वा लिए, हम डालेंगे ना। चलो चलो, थोड़ी अचार के लिए तोड़वाए हैं भाई। अचार क्या आम है? ये घर जाते आते तो पक जाएंगे। अगर पक जाएंगे तो हम रस्ते में काट के खा लेंगे। ये भी ठीक है। और ये देखो भाई आबू, आबू आम तोड़े। अभी आगे बहुत पेड़ मिल गए, वो देखो ना, बाग ही बाग आम। फिर हम यहाँ से चलते हैं, अभी थोड़ा आगे चल के तोड़ते हैं। यहाँ से मोड़ सकते हैं शायद, है नहीं मोड़ जाएगी, नहीं मोड़ेगी। इधर से मोड़ लो, छत पे रख देंगे ना। अबे उतरोगे कैसे? उतरने का भी तो उतर जाएंगे। नहीं नहीं पंगा रहेगा भाई। नहीं बहुत स्पेस है। ले लो भाई, ये ले चलो एक बार अंदर। रिस्क क्या है इसमें? तो थोड़ा सा लेते हैं, चलो फिर बैग ले लेंगे। बैग ले लेंगे ना, गाड़ी मुड़ जाएगी। ले लो भाई अंदर ले लो। अबे भाई कहाँ आ गए यार ये देखो, ये बोल रहे कि चलो चलो चलो। अब ये देखो बिल्कुल खेतों के बीच में लिया है। देखो सूरज भी बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई मारेगा भाई। वो ऐसे देखो, हमने अभी ना गाड़ी घुसा दी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गाड़ी हम वहाँ से बैक ले आए हैं। गाड़ी को बैक ले जा रहे हैं, ड्रोन शॉट के ले आए थे हम, ताकि सूरज को कैप्चर कर लें। ड्रोन शॉट तो लेंगे, वहीं ले चलते हैं। हाँ, वही ज्यादा बेटर है। और ये देखो भाई साथ साथ में पानी कैसे बह रहा है, ऐसे खेतों में पानी जा रहा है। एडवेंचर हो गया सुबह सुबह। पहले सही कह रहे, पहले आम तोड़वा दिए, फिर गन्ने के खेतों में घुसा दिया, कटाई कर रहे हैं अंकल जी। सो गाइस फाइनली हमें एक स्पेस तो मिल गई जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी दबा दी है, और अभी यहाँ पे लेते हैं जरा ड्रोन शॉट। और ये देखिए, अब आबू की दोस्ती हो गई आपसे है। आबू दोस्ती हो गई? नहीं आ रही मम्मी, नहीं आ रही मम्मी, नहीं आ रही। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ, उसके प्राण सूख रहे हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ ड्रोन शॉट, तो ये लो हमारी मक्खी गई हवा में। हाँ वो क्या है ये? हाँ वो क्या है ये? बाय बाय, बाय कर दो। ये सही है यार वैसे दिल्ली वालों के लिए ना, पास की पास, राजस्थान भी पास पड़ जाता है, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है बेसिकली देखा जाए। नॉर्थ में पहाड़, इधर आ जाओ हैंड्स डाउन चले जाओ तो 220-250 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। वैसे ये बात दिल्ली वालों को इस चीज़ का सुख है। हाँ नहीं तो कुछ मुंबई के दोस्तों कहते हैं भाई तुम्हारा सही है। नहीं यार मुंबई के आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मानसून में ही है ना सिर्फ। हाँ मानसून में, लेकिन गजब होता है यार शायद। हाँ ये आ गया वो गिरजा देवी मंदिर में, कहते ना मंदिर है। ये देखिए हमने कितने सारे आम तोड़े, कि किसी का बाग दिता हाईवे पे लगा हुआ था पेड़, और हमने ना इतने सारे आम तोड़ लिए कि मज़ा ही आ गया भाई आम तोड़ के। ये देखो कितने सारे हो। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, तो वहाँ से पन्नी लेकर आ जाते भाई। मैं तो ऊपर ही चढ़ गया था आम के चक्कर में। वो कह रहे खरीद के खाओ ना तो मज़ा नहीं आता, तोड़ के खाओ मज़ा आता है। बीच में से देखो ऑफ रोडिंग आ गए। गलती से ना हम गलत रोड पे आ गए थे, तो अभी दीपा भाई तो बाहर अपनी फोटो खींच रहे हैं। और ये देखिए भाई सुबह से ना ये नहीं संभल रही है, इसको घूमने में अलग ही मजा आ रहा है, तो पीछे भाभी और नेहा संभाल रहे हैं इसको। मैं तो नहीं संभालती, पर ये समझ नहीं रही है। पी लो थोड़ा सा, पी लो। मैं पी लूं? हो तो पियो फिर आप। चिढ़ना भी है पी लेंगे तो मैं पी जाऊंगी, पियो। सो वैसे को हमने इस वाले बोर्ड को देखे गए, देखे शीशा खोल ना। हाँ शीशा खोल लूं। ये देखो भाई अगर आप लोग भी इस तरफ आ रहे हो तो भाई इस वाले ऐसे बोर्ड के चक्करों में मत फंसना। हम भी एक किलोमीटर अंदर गए हैं और ऑफ रोडिंग करके फिर वापसी आ गए। सो गाइस देखो हम जहाँ हैं ना, वो देखो यहाँ है रामनगर और यहाँ है सरायखेत। तो अभी हम जहाँ गए थे ना, यहाँ पे हमारे पास पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या, आपको भी यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अभी हम थे डोडियाल में, तो डोडियाल में आपको पेट्रोल कैसे मिलेगा ये देखो। यहाँ पे अभी हम पेट्रोल खरीद रहे हैं 105 रुपए का लीटर, तो फिलहाल हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है, तो हम इसको फुल करवा लेते हैं। वैसे ये एक्सपीरियंस ऐसा लगता था कि लद्दाख में मिलते हैं।
अभी यहाँ हाँ उत्तराखंड में भी हाँ देखो हमारी गाड़ी में ये कितने लीटर है? 5 लीटर है। हाँ पूरा हाथ लगा देते हैं लो। ये गया हमारी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल। और ये देखिए आबू और नेहा और भाभी ये यहाँ पे क्या लिया? क्या लिया नेहा? हमने खुरमानी ली और खीरा लिया। खुरमानी और खीरा तो ये हमने लिया है बाबू के लिए और यहाँ पे हमने भी पेट्रोल भी लिया है, खुरमानी खीरा और पेट्रोल। सो गाइस देखिए वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया तो और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। तो अभी क्या है अपडेट, हमने अपना होटल ले लिया है बिल्कुल जहाँ से पेट्रोल डलवाया था। और नाम क्या था, नाम मैं फिर से भूल गया जगह का, डोटियाल। हाँ डोटियाल में ही रुक चुके हैं। और भाई पेट्रोल का अपडेट ये है भाई, पेट्रोल कहीं जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिले ना भरवा लेना, नहीं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 105 रुपये लीटर। और आव्या क्या कर रही है ये देखिए, आव्या को ए मना करा ना, ये दे छोड़ इधर फ़ोन, नहीं किताब पकड़। समोसे भी खा लेते हैं चल के। सो यहाँ पे देखिए आबू यहाँ पे अपना खिला, अभी इसको क्या खिला रही थी नया, अभी इसको ब्रेड पकौड़ा खिला रहे थे लेकिन अब इसकी किताबों में लग गई। और घर से देखिए हम इसके टॉय क्या क्या लेकर आए हैं साथ, ये छोटा घटोत्कच, ये आबू और ये इसकी बुक, ये इसकी फेवरेट है इसलिए हम साथ लेकर आ जाते हैं। ठीक है मैं ले जाऊँ, देखो मैं ले जाता हूँ ठीक है बाय। हाँ बहुत देर में रिएक्ट करा, अच्छा ले 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 ले। सो गाइस ये देखो हम सो के उठ गए, हम बोले तो हम सभी सो गए थे, आप भी सो रही थी आराम से। और देखो हमने इसका सर ढक दिया इसके टकलू पे ठंडी ना लग जाए क्योंकि यहाँ पे ना हल्की हल्की ठंड हो रही है। मज़ा आ रहा है इतने दिन बाद ट्रिप पे आए हैं, ओए मज़ा आ रहा है। अरे दिल्ली से तो बहुत मच बैठ रहे थे पापा यहाँ के, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अगर आप लोग भी घूमने जाना चाहते हैं ना तो भाई यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ डोटियाल जगह उत्तराखंड में और ये जिम कॉर्बेट से 100 किलोमीटर ऊपर है। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं नीचे कुछ खाने के लिए, आबू के लिए हमने खाना बना लिया लेकिन अभी सो के उठी है, इसको अभी खिलाएंगे नहीं। और ये देखो कैसे गुस्से में देख रही है। सो गाइस देखो हम ना नीचे आ गए और यहाँ पे ना मार्केट तो बंद हो गई है, सारी शॉप्स लगभग सारी बंद हो गई है लेकिन एक चीज़ देखिए चमत्कार, ये देखिए ये दुकान आपको सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक खुली हुई मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके अमृत वमृत जो भी मिलता है यहाँ पे आके आराम से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो खाने का गंदा सामान मिलता है ना वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए गाइस आप वो क्या कर रही है। तो अभी क्या अपडेट है, देखो हम आ चुके हैं अपने रूम में, खाना खा लिया, आबू को खाना खिला दिया, आबू को हमने खिलाई खिचड़ी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आज के ब्लॉग को एडिट। तो अभी क्या सीन है भाई, अब हम करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म। होप सो आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आप कमेंट में बताइए आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और हमने बहुत मस्ती करी भाई, दीपा भाई के साथ आए थे, दीपा भाई की वाईफाई है, मेरी वाईफाई है और हम साथ में मिलकर ट्रैवल कर रहे हैं। कल का दिन, अरे कल का दिन क्या रहेगा, कल हम चलेंगे दूसरी जगह। तो आओ ब्लॉग खत्म करते हैं, सबको बोलो बाय बाय, टाटा कर दो सबको, बाय कर दो ही। तो इस व्लॉग को खत्म करते हैं हम आबु की स्माइल के साथ, है ना ये। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो भाई जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना। बाय बाय आबु, बाय बाय।